सोलन शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर कुमार हट्टी बाईपास पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ये हादसा बुधवार सुबह करीब 6 बजे एक तेज रफ्तार टैंकर ने सड़क पर चल रही 4 गाड़ियों को हिट किया। इसमें 2 सेब से लदी पिकअप और 2 कार है। चारों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई भी इस हादसे में नुकसान नहीं हुआ है, जानी नुकसान नहीं हुआ है। 3 लोग घायल हुए हैं। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार सोलन से कुमारहट्टी की ओर जाने वाली गाड़ियां टनल से होकर गुजरती है, लेकिन वहां काम के चलते चैनल को बंद किया गया था, तो दोनों ओर से ट्रैफिक पुराने बाईपास पर ही चल रहा है। बुधवार को शमलेच से 2 किलोमीटर आगे कुमारहट्टी की ओर से आ रही तेज रफ्तार टैंकर ने सामने से आ रही 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। वहीं प्रत्यक्षदर्शी व दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के मालिक भृगु ने बताया कि सुबह अपने माता पिता को लेकर चंडीगढ़ जा रहे थे। अभी अपने घर से करीब 2 किलोमीटर ही निकले थे कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने उनके सामने चलने वाली 3 गाड़ियों को हिट किया। उन्होंने अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश की, लेकिन टैंकर ने उनकी गाड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद टैंकर ड्राइवर और उसका साथी मौके से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे एक व्यक्ति राजेश ने कहा कि कुमारहट्टी की ओर से इस तरह का कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे ये बताया गया है कि आजकल इस बाईपास पर दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है। इससे भी ड्राइवर को गलत फहमी पैदा हो रही है। एएसपी सोलन अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं फरार हुए ट्रक चालक व एक अन्य व्यक्ति की तलाश पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। तो तकरीबन 5:30 की बात है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ चंडीगढ़ जा रहा था। क्योंकि ये टनल वाली रोड बंद थी, तो सब लोग नीचे वाली रोड से ही जा रहे हैं। तो मेरे आगे 2 पिकअप थी, उसके पीछे एक मारुति कार थी और चौथी मेरी गाड़ी थी। तो सामने से आए टैंकर, इतनी स्पीड में था कि इनसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो इन्होंने अपनी लेन छोड़ी, राइट लेन से लेफ्ट में आए। पहले पीछे पिकअप को हिट किया, जो जिसमें सेब थे वो टेढ़ी कर दी। उसके बाद दूसरी पिकअप को हिट किया, वो पिकअप उछल कर दीवार से टकरा कर जो तीसरी मारुति कार थी उस पर गिरी। आपने मारुति कार की हालत देख ही ली होगी। चौथी मेरी गाड़ी थी, उसके बाद क्योंकि उससे रुकी नहीं, उसने फ्रंट ऑन मेरे को हिट किया टैंकर ने, और मेरे को स्लाइड कराता हुआ, घिसड़ाता हुआ रोड के ऑपोजिट साइड जाके नाली में गाड़ी और टैंकर दोनों छोड़ दिए। और दोनों, हाँ जी, ड्राइवर कंडक्टर का है टैंकर की। ड्राइवर कंडक्टर जी, जब तक मैं गाड़ी से उतरता मेरे सामने उतर के भाग गए। क्या क्या कारण मानते हैं आप, सबसे बड़ा क्या नेग्लिजेंसी मानते हैं एनएचआई की? नेग्लिजेंसी तो आई गेस वही है कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी जहाँ से वो दूसरी साइड लेन शुरू हो रही है कि ऑपोजिट आज मतलब वन वे नहीं है, दोनों साइड से ट्रैफिक आ रहा है, तो आई गेस ड्राइवर थोड़ा और सचेत हो जाता, तो वो एक चीज़ की कमी समझूंगा मैं।